नमस्कार। जिले भर की तमाम ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। समीक्षा बैठक में 5 सीएमओ को नोटिस जारी किया गया है क्योंकि वे समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा का स्टिकर लगाकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है डकैती की योजना बनाते हुए। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्लिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। जिले भर की समीक्षा बैठक में जिले के 5 सीएमओ को हुआ नोटिस जारी। पेयजल समस्या से निपटने के लिए सीएमओ को दिए गए निर्देश। भाजपा के स्टिकर लगी गाड़ी में हथियार सहित पकड़े गए युवक। विजावर भाजपा मंडल अध्यक्ष का भतीजा भी हुआ गिरफ्तार। श्रीराम सेवा समिति के कार्यालय का हुआ भव्य उद्घाटन। शोभा यात्रा के लिए कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारियां। और प्रेमिका से दुष्कर्म कर एमएमएस बनाने वाला प्रेमी हुआ गिरफ्तार। 3 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। सबसे पहले आपको दिखा दें बड़ी खबर। कलेक्ट्रेट में रविवार को एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था जिसे कलेक्टर रमेश भंडारी ने संबोधित किया। इसमें जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। 5 नगरपालिका और नगर परिषद के सीएमओ के अनुपस्थित रहने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि खुले में शौच मुक्त अभियान में जो छतरपुर अभी पिछड़ा हुआ है उसको लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की सर्वे सूची बनाकर उसके अनुमोदन कराए जाने की बात भी कही गई। खाद्य विभाग में नोडल की जो नियुक्ति होनी है 78 केंद्रों में, उसकी नियुक्ति एसडीएम करेंगे, उसके लिए तैयारियां करने की बात कही गई। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में स्टेडियम बनाए जाने हैं, इसके लिए तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि वे जमीनों का सर्वे कार्य जल्द से जल्द पूरा करें। साथ ही साथ नगरपालिका नगर परिषद के सीएमओ को निर्देशित किया गया कि आगामी दिनों में पेयजल का संकट उत्पन्न न हो पाए उसके लिए पहले से ही पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने रिपोर्टर लोकेश चौरसिया के पास। देखिए, कलेक्टर रमेश भंडारी ने आज अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली है जिसमें नगर पालिका के सीएमओ मौजूद रहे। इसके अलावा खाद्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे, साथ ही छतरपुर जिले के सभी तहसीलदार मौजूद रहे। इस बैठक में महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे वो नगर पालिकाओं को इस तरीके के आदेश दिए गए हैं कि जो शौचालय निर्माण हो रहे हैं उनको 100% तक 31 मार्च तक पूरा किया जाए। साथ ही यहाँ पे जो भी ठेकेदार समय पर काम नहीं करता है तो उसके सीएमओ नोटिस जारी करें। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो आगामी दिनों में जो पेयजल का संकट आता है उसको लेकर सभी सीएमओ सक्रियता दिखाई दे। तो यहाँ पे जिस तरीके से पेयजल का संकट ना हो उसको लेकर भी गंभीरता बरती जाए, तमाम तरह के नगर पालिकाओं को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा खाद्यान्न को लेकर भी एक आदेश दिया गया है कि जो रबी की फसल आगामी दिनों में होने वाली है उसको लेकर भी खाद्य विभाग द्वारा तमाम तैयारी कर ली जाए क्योंकि 27 मार्च से यहाँ पे रबी की फसल को लेकर भी कार्य किया जाएगा। इसके अलावा छतरपुर जिले के सभी तहसीलदारों को एक आदेश दिया गया है। छतरपुर जिले में जिस तरीके से स्टेडियमों का निर्माण कार्य होना है उसको लेकर जमीन आवंटन को लेकर एक निर्देश दिया गया है कि सभी तहसीलदार अपने अपने क्षेत्र की जमीन को चिन्हित करें और वहां पे स्टेडियम का कार्य भी जल्द शुरू किया जाए। इस तरीके के आदेश दिए गए हैं चूँकि ये वित्तीय वर्ष है और यहाँ पे 31 मार्च तक सभी कार्य को पूरा करने का आदेश भी दिया गया है। दुनिया में 5 किलो पर है देना, लेकिन हम पूरे परिवार को हम 35 किलो देना। 5,000 का परिवार है जिसमें 35 किलो अनाज, 1 किलो शक्कर, 1 किलो नमक और वित्तीय वर्ष का अंतिम समय चल रहा है जिसके तारतम्य में सभी योजनाओं का टारगेट पूरा करने के शासन के निर्देश हैं। उसमें कलेक्टर महोदय द्वारा नगर पालिका के सभी अधिकारियों का जो योजनाओं से जुड़े हुए हैं उनको आज मीटिंग करके स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि जो भी पेयजल की योजनाएं हैं वो टाइम लिमिट में पूरी हों,
प्रधानमंत्री आवास एक समयावधि में पूरे हों, इसके साथ ही जो शौचालय का निर्माण किया जा रहा है उनको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए और समयावधि में जो भी टारगेट है उनको पूरा किया जाए। बिजावर थाना पुलिस ने बिजावर मंडल अध्यक्ष भाजपा के भतीजे और उसके सहित 6 अन्य को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक वाहन में ये सभी लोग सवार थे और इनके पास अवैध हथियार बरामद हुए हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष की गाड़ी से हथियार बरामद हुए हैं। भतीजे अर्पित दुबे सहित इमरान खान, हाशिम अली, दिव्यांश, संयोग सिंह, अकील और ड्राइवर संतोष सिंह पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। कल मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी भगमा द्वारा एक जीप बोलेरो को चेक की गई। चेक में 7 आरोपी मिले जिसमें से 2 के पास अवैध शस्त्र पाए गए, दो कट्टे एवं जिंदा कारतूस मिले और शेष के रूप में चाकू और राड मिली जिनको उन्होंने जब्त किया है और एक बोलेरो भी जब्त की गई है। उसमें से एक ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष का भतीजा है और ये लोग अवैध शस्त्र लिए हुए पाए गए थे जिन पर विधिवत कार्रवाई की गई। भाजपा की प्लेट लगाकर बिजावर से जब एक बोलेरो गाड़ी निकल रही थी तभी उसमें मुखबिर की सूचना पर बिजावर पुलिस ने उसकी कार्रवाई तलाशी ली तो वहां से मंडल अध्यक्ष राजीव दुबे और भोलू के भतीजे अर्पित दुबे सहित 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हम आपको बता दें सत्ता दल के झंडे का हो रहा दुरुपयोग है। पिछले दिनों दो दिनों से जिस तरह से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के कब्जे से जो गाड़ियां जब्त हो रही हैं उनमें अक्सर गाड़ियों में या तो भाजपा के झंडे लगे हुए हैं या ही गाड़ी में कोई पद लिखा है। बिजावर पुलिस ने भी ऐसी एक बोलेरो गाड़ी को पकड़ा है जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष लिखा हुआ है। जो भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं राजीव दुबे और भोलू, इनके भतीजे अर्पित दुबे सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे 2 देसी कट्टे सहित अन्य हथियार जब्त हुए हैं। पुलिस ने इन सभी आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। 2 आरोपियों को मंडल अध्यक्ष के भतीजे एवं एक अन्य को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। वहीं वह 5 आरोपियों को सोमवार को जेल में पेश किया जाएगा। लाइव रिपोर्ट के लिए सुबोध त्रिपाठी। रामनवमी की शोभा यात्रा की तैयारियों के लिए श्री राम सेवा समिति के कार्यालय का उद्घाटन शनिवार को किया गया। यहां पर योगी देवनाथ और दयाशंकर कौशिक के द्वारा इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बड़ी संख्या में यहां पर नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस मौके पर RSS के राजेंद्र चतुर्वेदी, भाजपा जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस दौरान कार्यालय के उद्घाटन के बाद लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे किस तरीके से शोभा यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से रख सकेंगे। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। छतरपुर के सभी लोगों से मैं विनती करता हूं कि अगर अपनी मानदंड गाय है क्योंकि गो विप्रश्च वेदश्च सत्यभिः सत्यवादभिः अलब्धैः दानशीलैश्च सप्तैते धारिते मही, इस पूरी धरती को 7 स्तंभ धारण करते हैं। सज्जनों, अगर तुम्हारे अंदर वीरत्व तो है, तुम्हारी माताओं में सतीत्व तो है और तुम्हारे संतों में संतत्व तो है तो उसके मूल में गाय की ताकत है। अगर गाय तुम्हारी बेइज्जत होगी, गाय तुम्हारी तिरस्कृत होगी, गाय तुम्हारी उपेक्षित होगी तो भारत की जो परिकल्पना है, जो तुम्हारा सपना है उसको साकार करने के लिए तुम्हें गौ माता का सम्मान बनाना होगा, बचाना होगा और अपने आप को लगा देना होगा अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए। राम मंदिर तो पहले भी बनना था और अब भी बनना है, फर्क इतना है कि अब संत का हाथ लग गया है तो जिस कार्य में संत का स्पर्श हो जाता है वो कार्य पूर्ण हो जाता है, पर संविधान के दायरे में ही पूर्ण होगा। जो संविधान की व्यवस्था है उसी के दायरे में पूर्ण होगा। इतना ही है कि योगी जी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो एक तो हमारे गुरुओं का पहले से संकल्प रहा है कि राम मंदिर बनना चाहिए तो अब उसको गति प्राप्त हो जाएगी। 6 साल पहले पुलिस टीम पर हमला करने वाले देवेंद्र सिंह चौहान स्थायी वारंटी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि इस बीच में पुलिस को सूचना मिली कि वो सिटी कोतवाली क्षेत्र के आसपास घूम रहा है और तब भी दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि ग्वालियर निवासी देवेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ कोतवाली में IPC की धारा 294, 353, 332 और 506B के तहत मुकदमा कायम किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया जहां से वह जमानत पर छूट गया, लेकिन जेल से बाहर आते ही दोबारा अदालत की किसी भी पेशी में शामिल नहीं हुआ। अदालत द्वारा आरोपी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया था। कोतवाली TI के निर्देशन में चौक बाजार से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एक स्थायी वारंटी देवेंद्र सिंह चौहान जो मूलतः ग्वालियर का निवासी है,
यहाँ रहता था। इसके द्वारा सन 2011 में पुलिस के कार्य में बाधा डालते हुए पुलिस पर हमला किया था और ये सन 2011 से फरार था। इसका स्थायी वारंट माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया था। आज इसको उसके घर से सूचना मिली थी कि अपने घर पे आया हुआ है, तो इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। गढ़ी बलहरा का रहने वाला एक युवक बस स्टैंड पर स्थित एक होटल में अपनी प्रेमिका से मिलता था, उसके बाद उसका MMS बनाया और उसे बदनाम किया गया। उस आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली TI सलित शर्मा ने बताया कि 2013 में गढ़ी मलहरा निवासी सोनू चौरसिया ने बस स्टैंड में एक होटल में रुककर अपनी प्रेमिका से दुष्कर्म कर उसका MMS बनाया था और उसके बाद बदनाम करने की नीयत से उसे वायरल भी किया। आरोपी दुष्कर्म के बाद से ही फरार था। मुखबिर की सूचना पर मुक्तिधाम के पास महुआ रोड से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 2013 में एक बलात्कार की रिपोर्ट हुई थी जिसमें प्रेमिका का बलात्कार के साथ साथ जो है उसका MMS बनाया गया था। ये सूर्या होटल की घटना थी। इसमें आरोपी सोनू चौरसिया उसी समय से फरार था। तत्समय अधिकारियों ने 299 CRPC फरारी में इसका चालान प्रस्तुत किया था। ये तब से लगातार फरार था। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ये गढ़ी मलहरा तरफ जा रहा है। इसकी घेराबंदी करके महोबा नाके पर उसको पकड़ा है। इसका पूरा चालान के साथ माननीय न्यायालय ने उसको पेश किया। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर एक दूसरे को तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए हैं और इस जीत को लेकर, इस बात को लेकर लोगों ने खुशी जताई। हम लोगों ने बजरंग सेना के द्वारा कल माननीय योगी आदित्यनाथ जी को CM बनाने के लिए मोटे के महावीर में यज्ञ और हवन पूजन किया था। हमारी भगवान हनुमान जी ने प्रार्थना सुनी और आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के CM बन गए। अब हम लोगों को बजरंग सेना को पूर्ण विश्वास है कि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बनेगा और साथ ही पूरे UP का और बुंदेलखंड का विकास होगा। हमारे जो बुंदेलखंड के युवा हैं उन्हें बहुत रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ जो गाय माता है इनके लिए एक ऐसा कानून बनेगा जिससे कोई भी गाय को नहीं मार सकता है और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए जो हमारी मुहिम है उसमें भी हमें ऐसा लगता है कि इसमें सफलता प्राप्त होगी। भाजपा के सर्वोच्च अधिकारियों द्वारा जो उत्तर प्रदेश के CM पद के लिए जो नियुक्ति की गई है परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए, उसकी खुशी में हिंदू युवा वाहिनी के जिला इकाई ने, सुधापुर जिला इकाई ने आज पटाखे फोड़कर एवं मिठाई बांटकर सभी लोगों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। जिले में सामाजिक एकता का संदेश लेकर स्वर्णकार समाज द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई और उसके बाद सोमवार को शहर के ऑडिटोरियम में स्वर्णकार सद्भावना रंग महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। शहर के गल्ला मंडी स्थित रामचरित मैदान से स्वर्णकार समाज की एकता रैली का शुभारंभ रविवार को सुबह 10 बजे किया गया। वाहन रैली का स्वागत चित्रगुप्त मंदिर के पास भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष गिरिजा पाटकर और उनके साथियों ने, जबकि हटवारा रोड पर चदेरिया ज्वेलर्स के संचालक प्रमोद व नवीन चदेरिया ने किया। वाहन रैली छत्रसाल चौक, आकाशवाणी तिराहा, जवाहर बाग, बस स्टैंड हटवारा होते हुए गल्ला मंडी पहुंची, जहां स्वर्णकार समाज के पदाधिकारियों ने अपने उद्बोधन में सजाति बंधुओं से एकजुटता के साथ सामाजिक विकास में आगे आने की अपील की। स्वर्णकार समाज का आज वाहन रैली का एक आयोजन किया गया था पहले से और 20 तारीख को सद्भावना रंग महोत्सव का दूसरे वर्ष का कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के सारे लोग आएंगे जिले भर से और उसी के तहत पहले जन जागरण के तौर से समाज को वाहन की रैली रामचरितमानस निकाली गई। सारे लोग जो पहिया चार पहिया वाहन उसे अपने जैसी राम सोनू समाज एकता के नारे लगाते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रामचरितमानस में पहुंची और सारे लोग समाज के उसमें शामिल हुए हैं। इसमें ये नहीं था कि कोई वर्ग हो, सभी स्वर्णकार समाज कोई वर्ग से नहीं था। और कल 20 तारीख को ऑडिटोरियम में स्वर्णकार समाज का रंग महोत्सव कार्यक्रम किया जाना है जिससे हमारे समाज के बाहर के पदाधिकारी भी नेतृत्व करेंगे, पदाधिकारी रहेंगे। जिले भर से स्वर्णकार समाज का परिवार यहाँ पर। अध्यापक संघ की एक बैठक का आयोजन गांधी आश्रम में किया गया जिसमें एक बार फिर से 6वें वेतनमान को लागू कराने को लेकर मांग उठी और मूल्यांकन का बहिष्कार करने की चेतावनी भी अध्यापकों ने दी। उनका कहना था कि बाकी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतनमान तक की घोषणा हो चुकी है लेकिन अध्यापक अभी भी 6वें वेतनमान के लिए तरस रहे हैं। आज यहाँ पे जो अपने 6वें वेतनमान की छतरपुर जिले में जो विसंगति है और जो ई सर्विस बुक वगैरह है और 7वें वेतनमान जो अध्यापकों को नहीं मिला है जो मिलना चाहिए
उसी के संबंध में ये सब मीटिंग आयोजित की गई है। आज की बैठक में चर्चा कर रहे हैं हम सब मिल करके कि कल से जो मूल्यांकन के लिए बुलाया गया है, तो हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने मूल्यांकन का बहिष्कार किया है, इसलिए हम सब आम राय बना रहे हैं कि मिल करके मूल्यांकन का बहिष्कार करें, अपना आंदोलन तेज करें, क्योंकि अभी संकुल स्तर पर भी जो है छठवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है, सातवें का तो अभी कहीं नाम ही नहीं है, अन्य कर्मचारियों को सातवां देने की घोषणा भी कर दी है सीएम ने, इसलिए हम सब ये रणनीति बना रहे हैं कि छठवां ठीक से मिल जाए और सातवां भी मिले, और इसके अलावा कुछ और विसंगतियाँ हैं जो इनकी ई सर्विस बुक में समस्याएं हैं उसका निराकरण करवाना है, स्थानांतरण अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, तो इन सभी बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं, सभी के मत ले रहे हैं। बड़ा मलहरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम कररी में एक विकलांग युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का नाम हरिराम हरिद्वार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हरिराम गांव में ही एक गुमटी चलाकर जीवन यापन करता था और परिवार में अकेला था। सात दस ग्यारह बजे तक तो घर डरा हुआ। अच्छा, तो डिब्बा पे बैठे रहा, तो एक छोटे बच्चा बैठा रहेगा। हाँ। वो फिर निकल गया और कहीं घूम के निकल गया। हाँ। घंटा के बाद में मोड़ा, बोलो कि साहब के उस भैया को पता नहीं है। हाँ। तो पता निकालो साहब के कहाँ रहो, ये जो कहाँ। हाँ। तो एक छोटे बड़े भाई का मकान है, तो उसका राकेश नाम का लड़का बोला था दिल्ली में। हाँ। तो साहब वो घर की उसके लिए चाबी से वो खोल के तालो और उसके अंदर पहुँच गया, उसको फिर जानकारी लगी के इस घर के अंदर का खा हाँ लटका मिला साहब। क्या कारण हो सकता है, कुछ बता सकते हैं? कारण ही ना था साहब, वो तो विकलांग था। अच्छा, है सुखा पता उसने मुंड में का भरी। हनुमान टोरिया में मजदूर संघ द्वारा होली मिलन उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष गिरजा पाटकार और समिति के तमाम पदाधिकारी शामिल रहे। सभी ने एक दूसरे को मिलकर गले मिलकर तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। आज के कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ की तरफ से होली मिलन समारोह रखा गया है, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के सभी संबद्ध संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित हैं। और इसी कार्यक्रम में आज श्री गिरजा पाटकार को भारतीय मजदूर संघ की जिले की बागडोर सौंपी गई है। हम लोग सभी लोगों ने होली मिलन समारोह उनको बधाई दी है और उनसे अपेक्षा है कि मजदूर हित में काम करके और अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, जिससे भारतीय मजदूर संघ को जिला छतरपुर में नई ऊँचाइयाँ मिले एवं मजदूरों श्रमिकों कर्मचारियों के हितों में वो अपने मन से मन लगाकर काम करें, जिससे अन्य संगठनों में वो उत्साह और ऊर्जा पैदा होगी कि भारतीय मजदूर संघ की तरफ से हम सभी लोगों को होली मिलन समारोह की बधाई देते हैं। आज मुझे भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष का दायित्व आदरणीय विभाग के प्रमुख अरुण सिंह जी चंदेल जी ने सौंपा है, और हम आपकी मीडिया के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि देश के हित में करेंगे काम, और ये भारतीय मजदूर की हम पहचान सभी लोगों में मजदूरों के हितों में काम करके बताएंगे, और जो भी मजदूर हैं और जो शोषित हैं दलित हैं उन सभी के लिए कार्य करेंगे। जिला अदालत में बार संघ द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बार संघ अध्यक्ष राकेश दीक्षित का सम्मान किया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों नोटरी की परीक्षा में साक्षात्कार के लिए सूचना ना दिए जाने की अफवाह फैली थी, जिसमें राकेश दीक्षित को लोगों ने दोषी माना था, लेकिन इस पूरे मामले में उनके साफ तौर पर सामने निकल आने के बाद बार संघ के पदाधिकारियों द्वारा उनका सम्मान किया गया। हमारे यहाँ नोटरी की प्रक्रिया चली थी कुछ समय पहले, उसमें किसी को जानकारी नहीं हो पाई थी और सुना था कि इंटरव्यू होना, तो हम भोपाल गए थे कुछ लोगों के साथ मिलेकर, और वहाँ पर हमने ये देखा कि इंटरव्यू होने वाला है। मैंने वहाँ पर लिखित रूप से वहाँ पर आवेदन दिया था, शिकायत की थी कि हमारे अधिवक्ताओं को सूचना नहीं दी गई है और ये इंटरव्यू निरस्त होना चाहिए, और मैं वहाँ पर लिखित आवेदन देकर आया था विधि सचिव को और वहाँ पर प्रभारी जो थे जो इंटरव्यू ले रहे थे। इसी तारतम्य में यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा यहाँ मेरे खिलाफ कुछ साजिश की गई और यहाँ हमारे सम्मानीय अधिवक्ताओं को गुमराह करके ये मैसेज दिया गया और काफ़ी हंगामा किया गया। राकेश दीक्षित अपने साथियों के साथ में लेकर उनको नोटरी भर्ती कराने के लिए गए, बाकी सारे अधिवक्ताओं को बताया नहीं गया। उस संबंध में एक पत्र आया है अभी भोपाल से विधि विधायी शाखा से, जिसमें मैंने जो पत्र दिया था
उसी पत्र के हवाला उसी तारतम्य में ये भर्ती निरस्त हुई है, जिससे ये दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। और मुझे सम्मानीय अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष चुना है और मैं सम्मानीय सभी अधिवक्ताओं के हित के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा और ईमानदारी के साथ काम करता रहूंगा, उनके हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये कार्यक्रम वर्ष 2016 में जिला अधिवक्ता कार्यालय में नोटरी के 30 पद स्वीकृत हुई थी, उसमें सभी लोगों ने सभी अधिवक्ताओं ने फार्म भरे थे। अचानक उसमें इंटरव्यू की डेट नहीं आई थी और हमारे अध्यक्ष महोदय भोपाल गए थे वहाँ पे, तो यहाँ कुछ जो अध्यक्ष से कुछ विरोध द्वेष रखते थे अधिवक्ता लोग, उनने उनके खिलाफ अविश्वास के अविश्वास कार्रवाई कर दी थी। अब वहाँ से वो आपत्ति जो उनने वहाँ पे भोपाल में राज शासन में लगाई थी, वो आपत्ति के कारण नोटरी की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करके दोबारा नोटरी की भर्ती प्रक्रिया हो रही है। तो सभी अधिवक्ताओं ने मिल करके आज उनका सम्मान किया है और पत्रकार वार्ता इस संबंध में बुलाई है कि अध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है कि दोबारा अधिवक्ताओं को नोटरी के पद के लिए जगह दिलवा दी, इसलिए हम लोगों ने उनका आज सम्मान किया है। जटाशंकर से सिग्रामपुरा जाते समय गुलाट में राकेश उपाध्याय नाम के एक युवक के साथ एक शराबी ने मारपीट कर दी। गुलाट में भी अपने रिश्तेदार के यहाँ उतरे थे, तभी एक शराबी मछली लिए हुए आया और उनके थैले में डालने लगा। इस बात को मना करने पर शराबी ने उनके साथ मारपीट की, सर में चोट आई है, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराज के जटाशंकर से जा रहे थे, सिग्रामपुरा जा रहे थे घर, जगदीश ने रास्ते में मार लिया, कहते को हमें मछरिया रखने तुम्हारे बैग में, महाराज ने मछरिया रखना मना किया तो सुनवाई गुलूच की और डंडा मार दिया। साक्षर भारत योजना के तहत नव साक्षरों की परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन इस परीक्षा में बैठने में लोगों ने रुचि नहीं दिखाई, यही वजह है कि बहुत कम संख्या में नव साक्षरों ने परीक्षा दी है। आप जो बने उसे पढ़ाया, आप पहले से पढ़े ही नहीं है तो कहीं आप थोड़ी है तो बन हो जाए। हाँ तो समाए जित तो हमें मिला तो शाम की टाइम मिला तो 5 बजे से 7 बजे लो 8 बजे लो तो हमें पता ही नहीं तो कितना टाइम है, नहीं बताया था तो 10 बजे का बताया तो आपका पता नहीं तो कितनी टाइम आना है कितना है? नहीं तो यही वजह से हमारी घर में आने तो गाड़ी से तो गाड़ी भाई चली सर। हम लोग शाम को 7 बजे से 9 बजे तक लगाते हैं और इसका समय निश्चित नहीं है, जिसको जहाँ सुविधा हो तो वहाँ पे अटेंड करती, तो हम अपने घर के बाहर सर हम तो 20 महिलाओं सर यही नाम लिखना सिखाना और थोड़ी बहुत गिनती पहाड़ी गणित का थोड़ी बहुत छोटा छोटा मॉडल सिखाते हैं, बस उनको इतना मोटिवेट करना कि वो साक्षर बने। सर उनके हिसाब से तो बहुत हार्ड पेपर है, वो इतनी जल्दी सर 6 महीने का रहता है और 6 महीने में महिलाएं शायद इनको 10-15 दिन आती है, ऐसे वो लगातार तो होती है सर। काम की वजह से नहीं आते, वो घरेलू महिलाएं काम काज से बड़ी अपने बच्चों को भेजा देती महिलाएं। साक्षर भारत योजना के तहत जो नव साक्षर पढ़ाते हैं पेरा वगैरह, उनकी परीक्षाएँ आयोजित की जा रही है। पेरा जो निरक्षर लोग हैं उनको जो पढ़ाते हैं पेरा, उनकी परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। ये है कि जो अनपढ़ लोग हैं वो पढ़ कर कुछ समझ सकें, अपना हिसाब जोड़ लगा सकें। टाइम तो निश्चित नहीं है, लेकिन 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिसको मतलब गांव वालों को जितना टाइम मिली जब वो परीक्षा में सम्मिलित हैं उसमें सहभागी। यहाँ पर जो सर्वे हुआ था, सर्वे के आधार पर 4 से 24 यानी निरक्षरों को परीक्षा देना थी, इसमें अभी तक 24 उपस्थित हुए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप, जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। जिले भर की समीक्षा बैठक में जिले के 5 CMO को हुआ नोटिस जारी, पेयजल समस्या से निपटने के लिए CMO को दिए गए निर्देश। भाजपा के स्टिकर लगी गाड़ी में हथियार सहित पकड़े गए युवक, बिजावर भाजपा मंडल अध्यक्ष का भतीजा भी हुआ गिरफ्तार। श्रीराम सेवा समिति के कार्यालय का हुआ भव्य उद्घाटन, शोभा यात्रा के लिए कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारियां।
और प्रेमिका से दुष्कर्म कर MMS बनाने वाला प्रेमी हुआ गिरफ्तार। 3 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा।